ऑलराइट व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आप लोगों का भाई सोरल लुबाना और आज की वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में जो कि गाइस आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर सकती हैं। सो आज से शुरू होगा हमारा नया सेगमेंट जिसका नाम है मूवीज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो ये होने वाला है गाइस पार्ट वन। और गाइस अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए आए सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं लेट्स नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो गाइस पहली मूवी का नाम है द लास्ट नाइट इन सोहो। सो 2021 में रिलीज हुई मूवी जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1/10। Amazon Prime के ऊपर अवेलेबल है। हिंदी के अंदर कहानियों में दिखाई जाती है एक फैशन डिजाइनर लड़की की जिसकी गाइस जिंदगी तब पलट जाती है जब एक दिन वो रात को सोती है ना अगले दिन जब उठकर देखती है तो गाइस 60s के टाइम के अंदर पहुंच जाती है। इसकी वजह काफ़ी ज़्यादा हॉरर से भरी सुपर नेचुरल जो है एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। अगर गाइस आप लोग का दिमाग से अडल्ट है सो गाइस आप लोग इस मूवी को जरूर से चेकआउट करें बिकॉज ये मूवी गाइस आप लोगों को सोचने मजबूर कर सकती है बिकॉज इसके अंदर गाइस आप लोगों को अपना दिमाग लगाना पड़ सकता है कि इस मूवी के अंदर क्या चल रहा है। सो काफ़ी बेहतरीन मूवी है गाइस, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बेस्ड मूवी है। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो गाइस एक बार जाकर जरूर चेकआउट इस मूवी को Amazon Prime के ऊपर हिंदी में कर सकते हो। बढ़ते हैं गाइस अगली मूवी की तरह जिसका नाम है पेपरिका। तो 2006 में रिलीज हुई एक एनिमे मूवी है। सो गाइस एनिमे नाम सुनकर भागना मत। सो गाइस कार्टून मूवी दिखती तो है बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों के लिए, गाइस बिल्कुल भी बच्चों के लिए मूवी नहीं है। 7.7 IMDb रेटिंग है। एंड यहाँ तक कि क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन मूवी जो कि हाईली एक्लेम्ड ऑस्कर विन मूवी है गाइस वो भी इसी से इंस्पायर्ड है या फिर मैं कहूँ कॉपी है। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक मशीन है जो कि तुम्हारे जो है सपनों के जो है अंदर तुम्हें भेज सकती है, तुम किसी का भी सपना देख सकते हो। तो गाइस ये जो मूवी है पागलपंती से भरी हुई है, तुम्हें एक सेकंड में पता नहीं चलेगा कि तुम रियलिटी में हो या फिर गाइस सपने के अंदर। इस मूवी के अंदर हर एक मोमेंट के ऊपर कुछ ऐसी अजीब अजीब चीज़ें होंगी जिनको देखने के बाद तुम भी कहोगे यार ये मैंने क्या देख लिया। गाइस ये मूवी काफ़ी बेहतरीन है, अगर तुम एक बार देखोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। हाईली आर रेटेड मूवी है। सो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी मत देखना कार्टून समझकर। और हाँ अगर तुम इस मूवी को देखना चाहो तो काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, तुम वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज ऐसी हमारी मोटिवेशन बनी रहेगी। बढ़ते हैं गाइस हमारी अगली मूवी की तरफ जिसका नाम है सी बीस्ट। 7.1 IMDb रेटिंग के साथ एक एनिमेशन मूवी। तो गाइस बहुत टाइम बाद मैंने काफ़ी अच्छी एनिमेशन मूवी देखने को मिली है जिसके अंदर गाइस हमें दिखाई जाती है एक ऐसी बच्ची की कहानी जो कि एक ऐसी शिप पर पहुंच जाती है जहां पर गाइस एक ऐसा बंदा है जो कि मॉन्स्टर है या फिर सी बीस्ट हंट करता है। तो कैसे गाइस उस बच्ची के कारण जो है उसकी लाइफ चेंज होती है, क्या कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है, ये सब देखने के लिए इस मूवी को देखना पड़ेगा। काफी अच्छी और एडवेंचर मूवी है गाइस, अगर एक बार चेकआउट करना चाहो तो अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हो। नेटफ्लिक्स के ऊपर गाइस ये मूवी अवेलेबल है बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ। बढ़ते हैं गाइस हमारी अगली मूवी की तरफ जिसका नाम है द बैटमैन। 2022 में मूवी रिलीज हुई जिसकी IMDb रेटिंग है 7.9/10। एंड गाइस क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन के बाद गाइस मुझे जो है और कोई मूवी पसंद नहीं आई बैटमैन की, बट गाइस इस मूवी को मैं थिएटर में जाकर देखकर आया था। एंड मैं कहूंगा यार ये मूवी ने पैसा वसूल कर दिया था पूरा का पूरा। So, इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है गौतम शहर के अंदर जो है बहुत मिस्टीरियसली मर्डर हो रहे हैं। एंड गाइस एक रीडर नाम का बंदा है कि वो गाइस सब जो है मर्डर्स की जिम्मेदारी ले रहा है। एंड गाइस वो खुलेआम चैलेंज करता है बैटमैन को कि आओ तो मुझे पकड़ ले। सो गाइस इन्वेस्टिगेशन करता है बैटमैन है क्या उस रीडर को पकड़ पाता है या फिर नहीं, ये सब देखने लिए तुम इस मूवी को देखना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा डार्क मूवी है एंड थोड़े बहुत किसिंग सीन है एक दो, अगर तुम देखना चाहो तो अपनी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। बट ये थोड़ी सी डार्क मूवी अगर तुम स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। बट गाइस अगर तुम लोग देखना चाहो तो Amazon Prime के ऊपर गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, एक बार जरूर चेकआउट कर। पढ़ते गाइस हमारी लास्ट मूवी की तरफ जिसका नाम है द बिग शॉट। 2015 में रिलीज हुई मूवी एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8/10। एंड काफ़ी बड़े बड़े चार एक्टर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है ऐसे चार फाइनल एक्सपर्ट्स की जो कि 2000 का टाइम के अंदर हमें मूवी दिखाई जाती है 2000 के टाइम के अंदर। एंड गाइस फाइनेंसर्स को पता चलता है कि US की जो स्टॉक मार्केट है गाइस उसके अंदर जो है एक जो अब जो कोलैप्स होने वाली है सारी की सारी मार्केट, तो वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं गाइस पहले ही। एंड गाइस वो सारे लूप होल निकाल देते हैं कि किस चीज़ की वजह से करप्शन वगैरह की वजह से जो ऐसा जो हो रहा है। तो गाइस क्या होता है इस मूवी के अंदर ये सब देखने के लिए देखनी पड़ेगी तुम्हें मूवी। काफ़ी क्लिफहैंगर से भरी है मूवी एंड काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, अगर तुम देखना चाहो तो Amazon Prime के ऊपर अवेलेबल है। इंग्लिश के अंदर एक बार देखना चाहो तो जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस यहीं पर लिस्ट अंत होती है। मेक श्योर अब तुम चैनल को सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन को दबाओ बिकॉज ऐसी वीडियोज और आती रहेंगी। अगर तुम इस वीडियो को सपोर्ट करते हो तो मैं इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा। तो तब तक के लिए गाइस चलता हूँ एंड टेक केयर, बाय बाय।